हेलो फ्रेंड, आज हम आपको गैस गीजर के बारे में बताते हैं कि गीजर का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है और गीजर के अंदर जो स्टार्टिंग जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गीजर जो है वो कहाँ से आया है, वर्ड जो है गीजर का। तो गीजर जो है वो गर्म पानी का एक झरना है जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो गर्म पानी का झरना है जिसकी वजह से इसका नाम गीजर पड़ा है। तो वहाँ से जो झरना है उसमें गर्म पानी निकलता है, तो उसी से इसका नाम जो है गीजर स्टार्ट हुआ है। तो गैस गीजर के बारे में बताते हैं। यहाँ पे गैस गीजर हमने लिखा है और उधर जो है वो विद्युत गीजर लिखा है जो कि इलेक्ट्रिक गीजर होता है हमारा। ठीक है, तो जो गैस गीजर है हमारा वो किस चीज़ से चलता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ यूज होती हैं, किस तरह से सावधानियां होती हैं, वो हमने इसके बारे में बताई हैं। और जो विद्युत गीजर है मतलब इलेक्ट्रिक गीजर जो है उसके बारे में भी हमने थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, बाकी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसकी 3 दिन का कोर्स है ये, मतलब 3 दिन तक की क्लासेस हैं इसकी। तो 3 दिन के अंदर हम गीजर को जो है ना बिल्कुल आपको सारी चीज़ बता देंगे कि गीजर के अंदर बेसिक चीज़ क्या होती हैं, गीजर की जो रिपेयरिंग है वो किस तरह से होती है, गीजर के जो फॉल्ट आते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ आपको 3 वीडियो के अंदर हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गैस गीजर है इसके बारे में बताते हैं आपको। तो गैस गीजर जो है वो किस चीज़ से चलता है, गैस गीजर जो है वो गैस से चलता है। ठीक है, जो एलपीजी गैस घर के अंदर यूज होती है उसी से ही गैस गीजर हमारा जो है वो स्टार्ट होता है। ये आप देख सकते हैं, हमने लिख भी दिया है गैस गीजर का इस्तेमाल से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, इसकी जो कमियां होती हैं वो ये होती हैं कि ये जो गैस होती है वो अधिक ज्वलनशील होती है, मतलब आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एलपीजी गैस से हमारा जो गीजर है गैस वो चलता है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक गीजर है वो हम आपको दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रिक गीजर जो है ये बिजली से चलता है, लेकिन इसमें करंट उतरने का खतरा रहता है, तो लेकिन कम उतरता है वैसे, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है कि क्या इसकी कमी होती है। ठीक है, और जो हमारा गैस गीजर है इसके अंदर जो एक वेंटिलेशन का उपयोग होना जरूरी है, मतलब जब आपके बाथरूम के अंदर अगर गीजर आपने अंदर ही लगवा रखा है और छोटा बाथरूम है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि गीजर चलने पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। तो जब हमारा गीजर चलता है तो उसमें जो हीट है वो निकलती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है और भी कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर गीजर आपके बाथरूम के अंदर लगा हुआ है और आप उसे स्टार्ट करते हो तो गेट ओपन रहना चाहिए, उसके बाद जब यूज कर लो तो उसके बाद में आप गैस गीजर को बंद कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए वेंटिलेशन का उपयोग किया जाता है, या विंडो आप लगवा सकते हो। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं गीजर लगवाते समय जो है दीवार के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, जब गीजर लगता है ऊपर की तरफ वो आपको हम दिखाएंगे किस तरह से लगाया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए जिससे वो जो गीजर है हमारा वो दीवार में टच ना हो, क्योंकि अर्थिंग वगैरह कुछ नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हम जो थोड़ा सा दीवार से हटा के उसे लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है गीजर को खुली जगह में लगाना चाहिए, जैसे हमने अभी आपको बताया कि गीजर जो है थोड़ा खुली जगह में रहेगा, जैसे बाथरूम से बाहर लगवा सकते हैं आप, पानी का सिस्टम अंदर रहता है तो आप वहां भी लगवा सकते हैं जिससे हीटिंग जो है वो बाहर निकलती रहे उसकी। और लास्ट टाइम ने आपको बताया ये कि गैस गीजर जब स्टार्ट होता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जब हीट बढ़ जाती है तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, कई प्रॉब्लम हो जाती हैं। और ये अब इलेक्ट्रिक गीजर के बारे में बताते हैं, तो ये तो आपको बताई दी है हमने, और ये तीसरा टॉपिक हम आपको बताते हैं। तो जब गैस गीजर को काफी ऊंचाई पे नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा हाइट पे लगवा देते हैं तो जब काम टेक्नीशियन आपके यहाँ पे आता है तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार हमने देखा है ऐसा कि एक एक्सीडेंट भी हो गए हैं काम करते हुए, क्योंकि स्लिप हो जाती हैं पानी वगैरह की वजह से, तो काफी ज्यादा नुकसान उससे हो सकता है। तो ज्यादा हाइट पे जो है इलेक्ट्रिक गीजर को ना लगवाएं। ठीक है, और गीजर का जो कनेक्शन है वो एमसीबी से होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो उसके अंदर रोड लगी होती है गीजर के अंदर, तो 1500-2000 वाट की वो रोड होती है, और जब वो खराब हो जाती है शॉर्ट हो जाती है तो उसमें आग लगने के चांस हो जाते हैं, इसीलिए एमसीबी लगी रहेगी, जैसे ही आप ऑन करोगे वो शॉर्ट है तो वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, तो गैस गीजर के बारे में और चीज आपको बताते हैं।
आप देख सकते हैं गैस गीजर की जो सर्विस है वो हर साल होनी चाहिए, क्योंकि जो उसके अंदर का टैंक होता है उसके अंदर क्लोरीन जम जाती है, जिसकी वजह से पानी निकल नहीं पाता और गैस गीजर हमारा स्टार्ट नहीं होता है। वो हम आगे को जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से गैस बंद हो जाता है, हमारा गीजर काम नहीं करता है। वो आगे को जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको बताएंगे, ठीक है। आज हम इसकी बेसिक चीज़ बता रहे हैं, जो थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ें हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। तो सर्विस इसकी हर साल करानी चाहिए, और जैसे कि इलेक्ट्रिक गीजर है, विद्युत गीजर, इसके अंदर भी इन सर्विस हर साल होती है। और जो इसके अंदर एनोड रॉड लगी होती है, तो इसके अंदर भी टैंक होता है 20 लीटर का, 25 लीटर का, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा क्लोरीन जम जाती है, जिसकी वजह से पानी निकल नहीं पाता और जो रॉड लगी होती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। और अब गैस गीजर का और दूसरी चीज़ देखते हैं। गैस गीजर को जब हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद में हम जो गैस है उसे बंद कर दें, ताकि गैस हमारी निकले ना, अगर निकलती है तो उससे हमारा सिलेंडर खाली हो जाता है, तो इसीलिए हम गैस को जो है यूज़ करने के बाद में बंद कर देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक गीजर है, जब हमारा पानी गर्म हो जाए तो उसके बाद में इलेक्ट्रिक गीजर का जो स्विच होता है, जो MCB लगी होती है, वो हम बंद कर देंगे, ठीक है। जिससे हमारी, क्योंकि ऐसा होता है, अगर आप गैस गीजर को आपने स्टार्ट कर दिया और आपने स्विच ऑफ नहीं किया, जैसे ही पानी आप निकालोगे तो पानी जैसे ही कम होगा तो गैस गीजर जो, सॉरी, इलेक्ट्रिक गीजर जो है वो एकदम स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, तो लोड फिर लेगा। इसीलिए आप जो है एक बार यूज होने के बाद इसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 20 लीटर या 25 लीटर पानी स्टोर रहता है। लेकिन जो गैस गीजर होता है इसके अंदर नहीं होता है, इसमें आप ये देख सकते हैं, जैसे ही आप पानी लेते हैं थोड़ा सा तो भी आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा गैस गीजर जो होगा। इसके पानी का टेम्परेचर जो है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं गैस गीजर में जो है, और जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है इसमें आप अपना माप सेट कर सकते हैं, या कोई टेक्नीशियन से आप करा सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है टेम्परेचर को सेट करना, क्योंकि अंदर थर्मोस्टेट लगी रहती है तो वही सेट होता है। तो इसका जो टेम्परेचर है 50 से लेके 55 डिग्री सेल्सियस तक आप इसका टेम्परेचर को सेट करवा सकते हैं। लेकिन जो गैस गीजर होता है इसे आप अपने आप ही करा सकते हैं टेम्परेचर जो है, पानी को कम ज्यादा आप कर सकते हैं उसमें, ठीक है। और जो गैस गीजर होता है इसमें आप जैसे ही पानी थोड़ा सा इस लेते हैं तब ये स्टार्ट होता है, इसके अंदर कोई पानी स्टोर नहीं होता है। इसमें जैसे ही आप पानी यूज करते हो तभी आपको ये गर्म पानी करके हैंड टू हैंड देता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है इसमें पानी गर्म करने में लगभग 30 से 40 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन 20 नहीं, इसमें जो है 30 से 40 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन पानी जो है वो 24 घंटे गर्म रहता है, ठीक है। तो 20 से लेके 25 लीटर तक की कैपेसिटी रहती है, और बड़े भी आते हैं वैसे, लेकिन जो नॉर्मल है वो 20 से 25 लीटर रहते हैं, 24 घंटे पानी गर्म रहता है एक बार यूज होने के बाद में। और लास्ट है इसका कि गैस का जो पाइप जो आप कनेक्शन लगाते हैं, गैस का जो पाइप होता है उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे पाइप जो है वो खराब ना हो। अगर पाइप खराब होता है तो गैस निकल सकती है, लीक हो सकती है, खतरा बन सकता है, इसीलिए आप जो है अच्छी क्वालिटी का पाइप का यूज करेंगे, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट, तो इसमें 2000 वाट लेता है ये 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 2000 वाट का मतलब होता है लगभग 2 यूनिट ये लेता है, और 2 यूनिट जो है वो जो नॉर्मल प्राइस चल रहे हैं उसके हिसाब से आता है बिल, ठीक है। और लास्ट है इसमें अर्थिंग का, आप इलेक्ट्रिक गीजर में अर्थिंग का सिस्टम जरूर कराएं, क्योंकि अर्थिंग उतरने से जो है वो करंट आता है, और करंट लगने से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसीलिए आप अर्थिंग का यूज़ जरूर कराएं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल आप लोगों को मिलेगी, उसके अंदर जो है आगे की चीज़ें बताएंगे, जैसे उसमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं वो सारी चीज़ 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे।